हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेक डिज़ाइनर। लास्ट टाइम मुझे एक व्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा था, जिनका नाम शुभम पाटिल है। उन्होंने पूछा था, हाउ कैन वी इंपोर्ट आवर ऑटो कैड DWG टेम्पलेट डायरेक्टली इनटू NX ड्राफ्टिंग एनवायरनमेंट। मतलब ये पूछ रहे थे कि हमें ऑटो कैड का जो DWG टेम्पलेट जो हमने बनाया हुआ है, अगर पहले हम उसमें यूज़ कर रहे हैं ऑटोकैड में, तो उसी को अगर हमें यूज़ करना है NX में, तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये समझो हमारा एक ऑटोकैड का टेम्पलेट है। तो A4 का ये टेम्पलेट है। तो इसके लिए जो साइज़ इस टेम्पलेट की है, वो A4 की साइज़ ही होनी चाहिए, मतलब 210x297। तो ये एक बात आपको कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे UCS सेट करना है और फाइल को सेव करना है, जहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, NX को ओपन करेंगे। और एक न्यू में जाके न्यू फाइल क्रिएट करना है, इसका नाम टेम्पलेट, और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। ओके, अब ये फाइल ओपन होगी। तो फाइल इंपोर्ट ऑटोकैड, ओके। यहाँ से हमें जहाँ पे हमने फाइल हमारी बना के रखी है ऑटोकैड का टेम्पलेट यहाँ पे है, वहाँ से हमें उसको उठाना है और यहाँ पे फिनिश। ओके, तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा टेम्पलेट ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे जो जहाँ पे हमने यूसेज सेट किया था, वहीं पे वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आया है। ओके, तो इस फाइल को हम करते हैं सेव और इसको क्लोज करना है। अब एक नई फाइल फिर से ओपन करनी है, जिसको हम नाम देंगे टेम्पलेट 1। आप जो देना चाहिए, जो देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ओके, तो ओके शिफ्ट कंट्रोल डी करके ड्राफ्टिंग एनवायरनमेंट में आ जाइए। साइज A4 मिलीमीटर, थर्ड एंगल और ओके। इसको क्लोज कर देंगे। अब क्या करना है, फाइल में जाके इंपोर्ट करना है जो हमने पार्ट फाइल बनाई थी उसको। तो क्या करेंगे, इंपोर्ट में पार्ट को इंपोर्ट करेंगे। ओके, और ये जो फाइल हमने बनाई थी उसको हम यहाँ पे इसको ओके कर देते। ओके, और ओके ये हमारा टेम्पलेट ओपन हो गया। अब इसको अगर आपको टेम्पलेट बनाना है, टेम्पलेट की तरह यूज़ करना है, तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है, जो मेरा टेम्पलेट का वीडियो है टेम्पलेट बनाने का, वो आप देख सकते हैं और इसको आप एज ए टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं इस फाइल को। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप इसको यहाँ से पॉपुलेट नहीं कर सकते, इसको डायरेक्टली आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं,
जैसे यहाँ पे पंच लिखा है, यहाँ पे हम डाई ब्लॉक कर सकते हैं, इस तरह से इसको आप एडिट कर सकते हैं। ओके, शायद ये डबल डबल हो गया, तो इस तरह से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ओके, अगर इसका टेम्पलेट बनाना है तो मैंने टेम्पलेट के वीडियो में उसको अच्छी तरह से समझाया है कि किसी भी फाइल को हम टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं, तो मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।